हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज मैं आया हूँ आपके लिए अपना सेकंड वीडियो लेकर के, जो कि बेसिकली होने वाला है पेंटबॉल इक्विपमेंट पर। काफ़ी लोगों ने मुझे कॉल किए, रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा। पहला वीडियो मैंने जस्ट एक ट्रायल के हिसाब से बनाया था, ठीक ठाक रहा रिस्पांस। काफ़ी अच्छा भी नहीं कह सकता मैं, बट बुरा भी नहीं था, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। एटलीस्ट यू नो उतने लोगों ने मुझे रीच आउट किया है, एंड मैं बहुत खुश हूँ कि मैं उनकी कुछ हेल्प कर पाया इस इंडस्ट्री में, कुछ नॉलेज दे पाया मैं। कुछ लोगों को हेल्प चाहिए थी तो मैं कर पाया हूँ, और मैं ये जारी रखूँगा। मैं बहुत सारे और भी वीडियोज़ धीरे धीरे बनाता रहूँगा। थोड़ा सा लेट हो गया मुझे ये सेकेंड वीडियो अपलोड करने में, बट थोड़ा मैं बिज़ी था थोड़े पर्सनल चीज़ों में इस वजह से। बट आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं इन सारी चीज़ों को रेगुलर कर पाऊँ, सो दैट यू नो आपको जो भी अपडेट है, जो भी आपकी क्वेरीज है, उस पर हेल्प मिल सके टाइम पर। तो गाइज, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा जो चैनल है इंडियन पेंटबॉल इन्फो, इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे, टाइम टू टाइम आपको अपडेट मिलती होगी। कोई चीज़ अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप उस पर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर रिप्लाई दूंगा जल्दी से जल्दी। तो गाइज, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जितनी भी पॉसिबल नॉलेज है मेरे पास, जितनी भी नॉलेज है पेंटबॉल इक्विपमेंट को लेकर के, मैं वो आपको बताना चाहूँगा। तो गाइज, पेंटबॉल इक्विपमेंट में बेसिक चीज़ें जो है, मैं स्पेसिफिकली इस वीडियो में गन्स एंड यू नो ऑल सेफ्टी गियर्स, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो देखिए, इक्विपमेंट्स में क्या होता है कि जो भी इक्विपमेंट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपकी गन्स हो गई, जो जिसे यहाँ पर मार्कर भी कहा जाता है। मार्कर इसलिए कहा जाता है बिकॉज यू नो दीज पेंटबॉल गन्स आर यूज टू यू नो मार्क योर अपोनेंट प्लेयर, तो इसीलिए इसे मार्कर कहा जाता है। इंस्टेड ऑफ सेइंग गन, यूज मार्कर वर्ड। सो मार्कर है आपकी। सेकेंड थिंग है आपका फेस मास्क, जो कि आपके आईज एंड यू नो फेस प्रोटेक्शन के लिए होता है। थर्ड है आपका चेस्ट गार्ड, जो कि आपका फ्रंट एंड बैक पूरा पार्ट एक कवर करेगा। फोर्थ है आपका ओवरऑल, जो आप ड्रेस पहनते हो, बेसिकली जस्ट यू नो सेफ गार्ड योर अदर आर्म्स एंड अदर थिंग। तो एक ओवरऑल काइंड ऑफ यू नो इंडिया में मिलता है कैमोफ्लैज का, ज़्यादातर लोग बनाते हैं, तो ओवरऑल उसे कहते हैं, डांगरी आप कह लो, ओवरऑल कह लो। तो ये एक चीज़ है। देन फिर हमारे यहाँ पर ग्लव्स भी यूज़ होते हैं, बहुत सारे सेंटर में नहीं होता, बट आई रिकमेंड अगर आप कर रहे हैं, एक अच्छा सा सर्विस आप देना चाहते हैं, तो ग्लव्स भी करना चाहिए यूज़, बिकॉज यू नो फिंगर्स पे काफ़ी जोर से लगती है इस पार्ट पर जो आपके ट्रिगर के आगे होती है। सो ग्लव्स है। देन नेक गार्ड है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत सारी फील्ड में देखा है कि बहुत सारे सेंटर्स में लोग नेक गार्ड यूज़ नहीं करते। मैं नहीं समझ सकता हूँ कि लोग नेक गार्ड क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज दिस इज़ वेरी सॉफ्ट एक्चुअली। अगर आपको यहाँ पेंटबॉल्स लगती है, एंड मैंने इनफैक्ट देखा हुआ है कुछ गेम में जहाँ पर लोगों के गले पर लगी है, एंड कभी कभार ब्लड भी आ गया है। तो गाइज, प्लीज़ यू स्टार्ट यूजिंग नेक गार्ड्स। नेक गार्ड आप किसी भी चीज़ से बना सकते हो, बट एटलीस्ट स्टार्ट यूजिंग। अगर आप एक कॉस्टली वाला जो महंगा ब्रांडेड आता है वो नहीं ले सकते, आप लोकल वेंडर जो आपका चेस्ट गार्ड बनाता है, आप उससे बोलिए, वो आपको ज़रूर बना के दे देगा। हमने खुद बनाया हुआ है। तो क्या है कि इससे आपका काफ़ी अच्छा यू नो सेफ्टी हो जाती है। एक नेक आपका हो गया, आपका फेस मास्क है ऑलरेडी, चेस्ट गार्ड है, यहाँ पर आर्म्स पे थोड़ा बहुत लग भी गया तो भी कोई इशू नहीं है, बट ये सारी चीज़ें, ये फिंगर्स हैं, इनको प्रोटेक्टेड करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। अब ये सारे आपके इक्विपमेंट्स हो गए। बाकी शूज़ वगैरह ये सब क्या है, कुछ कुछ सेंटर्स देते हैं, कुछ कुछ सेंटर्स जो है पार्टिसिपेंट्स को खुद कहते हैं कि आप अपने शूज़ में, एंड शूज़ इज़ कॉमन, लाइक यू नो वो आपको पहनना ही है, आप कैसे भी आ रहे हो तो ठीक है, वो तो पर्सनल चॉइस है। आपके शूज़ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, बट ये सारी सेफ्टी गियर्स हैं। अब आपकी जो मेन इक्विपमेंट है इसमें मार्कर, मैं आपको मार्कर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज देना चाहूँगा, थोड़े बहुत मास्क और सिलेंडर के बारे में ही मैं आपको बता दूंगा। तो ये जो गन्स है, ये बेसिकली, ये जो मार्कर है, ये बेसिकली दो गैस पर चलती है। एक आपका CO2 पर, दूसरी आपकी चलती है कंप्रेस्ड एयर पर। इंडिया में कंप्रेस्ड एयर नहीं यूज़ होती, रीज़न बिकॉज कंप्रेस्ड एयर से यूज़ होने वाले अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो उसके लिए आपको आपका सेटअप, जो कंप्रेस्ड एयर का सेटअप है, वो खुद लगाना होता है, एंड उसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा है। मुझे एग्जैक्ट कॉस्टिंग नहीं पता बिकॉज वो सेटअप मैंने कभी लगाया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है एटलीस्ट यू नो 2 लाख से 1.5 लाख इतने में हो जाना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर।
तो जो भी है आप चेक कर सकते हैं, बट इंडिया में कोई भी यूज़ नहीं करता। जो भी है यहाँ पर CO2 चलती है, CO2 इसलिए चलती है बिकॉज यू नो यहाँ पर बहुत सारे CO2 गैस के सप्लायर हैं जो आपको लोकल इंडस्ट्रियल एरिया में मिल जाते हैं। CO2 की गैस टैंक आती है 9 kg से लेकर के 45 kg साइज़ की, वो आपको जो है अराउंड यू नो 1000 rupees से लेकर के 1500 rupees में आपको अप टू 45 kg गैस CO2 मिल जाती है, ईजिली अवेलेबल हो जाती है, किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में आपको मिल जाएगी। तो क्या है कि लोग इसीलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड ये तो आपकी हो गई गैस। एंड ये जो गन्स है ना, ये गन्स बेसिकली ये जो मार्कर है, सॉरी मैं भी गन बार बार कह रहा हूँ बिकॉज लोग मुझे जब पूछते हैं तो गन ही गन पूछते हैं, इसीलिए मेरी भी आदत बनती जा रही है, बट मैं अवॉइड करूँगा। तो मार्कर जो है वो दो टाइप का होता है, एक सेमी ऑटोमेटिक एक ऑटोमेटिक। देखिए ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक में डिफरेंस सिर्फ इतना है, ऑटोमेटिक गन है, ऑटोमेटिक मार्कर है, आपने एक बार ही ट्रिगर दबाया तो आप उसमें मोड सेट कर सकते हो, 3 pellet फायर करे, 6 pellet फायर करे या 12 pellet फायर करे, ये मोड आप सेट कर सकते हो। और जो सेमी ऑटोमेटिक मार्कर है उसमें कोई मोड नहीं होता, वो सेमी ऑटोमेटिक है, आप एक बार ही ट्रिगर दबाओगे, एक बुलेट बाहर निकलेगी, फिर वो रिकॉक होकर के सेकेंड फायर के लिए रेडी होती है, फिर सेकेंड आप दबाओगे सेकेंड निकलेगी, ऐसे ही आप कंटिन्यू फायर करते रहोगे, बट फॉर एवरी फायर आपको ट्रिगर दबाते रहना है। तो ये एक डिफरेंस है। और जहाँ तक मैं बात स्पेसिफिकली अब यू नो एशियन और इंडिया की कर रहा हूँ, तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि ऑटोमेटिक मार्कर्स उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती। उसका रीज़न है कि ऑटोमेटिक मार्कर में बहुत सारी पैलेट्स लगेंगी, लोग ऑलरेडी जो कॉस्ट यहाँ पर हम लेते हैं उसके लिए ही लोग जो है मतलब उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली गेम है, तो अगर आप नंबर ऑफ़ पैलेट्स बढ़ जाएंगी तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी हायर होगी, तो लोग यहाँ पर उतना पे नहीं करते। एंड कुछ कुछ रीज़न में करते हैं, इसीलिए कुछ कुछ रीज़न में ही सिर्फ ऑटोमेटिक यूज़ होती हैं बट बाकी जगह पर नहीं होती। तो यहाँ जो ज़्यादा यूज़ होती है वो होती है सेमी ऑटोमेटिक मार्कर, बिकॉज अगर आपको सोचिए 25 गोलियाँ या 50 गोलियाँ मिली हैं या 100 गोलियाँ मिली हैं, तो आपको वो 100 गोलियाँ में खेलने में मज़ा भी आना चाहिए, थोड़ा टाइम भी आपको मिलना चाहिए खेलने का, सो दैट आपको वो एक फ़न पूरा जो है एंजॉयमेंट मिल पाए। तो इसीलिए जो है यहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक ज़्यादा यूज़ होती है। सेमी ऑटोमेटिक में भी बहुत सारी गन्स हैं, बहुत सारे अलग अलग मॉडल हैं, तो हम जो रिकमेंड करते हैं वो है टिपमैन के प्रोडक्ट, बिकॉज यू नो टिपमैन के प्रोडक्ट काफ़ी ड्यूरेबल हैं, उनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मेंटेनेंस इजी है, बहुत सारे उन्होंने मतलब चेंजेस किए हैं अपने इक्विपमेंट में, तो अपग्रेडेशन भी बहुत इजीली हो जाता है, और आप जो प्रॉब्लम्स अर्लियर स्टेजेस पर लोगों ने फेस की है टिपमैन ने उसे ओवरकम करके बहुत सारे लेटेस्ट प्रोडक्ट ले आए हैं जिनमें वो सारी प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो मतलब ये कैसा है कि आपको काफ़ी अच्छी टाइप की मार्कर्स मिल जाती हैं इसमें और आपके रेंज में मिल जाती हैं, मतलब स्टार्टिंग रेंज अगर हम देखेंगे तो समझ लीजिए 9000 rupees से स्टार्ट होकर के ये गन्स आपको अप टू 25000 तक की मिल जाती हैं ये मार्कर्स, जो कि ठीक है, हर कोई अपनी अपनी रेंज के अपने अपने बजट के हिसाब से इसे खरीद सकता है। अब मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो टिपमैन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे टिपमैन का जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट है जो इंडिया में चलता है टिपमैन 98 कस्टम्स एंड रेंटल काफ़ी ज़्यादा चलता है। देन उसके बाद आपका अभी क्रोनस लेटेस्ट आया हुआ था, क्रोनस काफ़ी ज़्यादा चला, फिर उसके पहले ग्रिफन था, फिर बीच में FT12 का एक प्रोडक्ट है वो आया हुआ था। तो ये सारे प्रोडक्ट जो हैं इनके सब इन सब प्रोडक्ट में डिफरेंस सिर्फ थोड़ा बहुत है, लाइक कहीं पर आपको इंटरनल गैस लाइन है, कहीं पर आउटर गैस लाइन है, कहीं पर आपको मेंटेनेंस के लिए 8-10 स्क्रूज खोलने होते हैं, कहीं आपको जो है सिर्फ एक आपको नॉब खोल दिया आपने तो पूरी गन ओपन हो जाती है, पूरी मार्कर ओपन हो जाती है। तो बेसिकली क्या है कि लोग अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपने अपने बजट के हिसाब से हर एक प्रोडक्ट बाय करते हैं, बट जो रेकमेंडेड प्रोडक्ट है फील्ड यूज़ के लिए जो हम भी यूज़ करते हैं और हम रेकमेंड करते हैं वो है टिपमैन 98 कस्टम्स। उसमें भी दो प्रोडक्ट आता है, एक ACT एक नॉन ACT, बट हम रेकमेंड करते हैं ACT एंटी चॉप टेक्नोलॉजी के साथ जो आता है, जिसमें आपकी बॉल जो है वो कभी कभार जो बैरल में फटती हैं वो नहीं फटती, लोग कंप्लेन करते हैं कि यार पेंट बॉल जो है वो गन में ही फट गई ऐसा वैसा, तो वो क्या है उसको ओवरकम करने के लिए टिपमैन ने नया एक टेक्नोलॉजी के साथ प्रोडक्ट अपना लॉन्च किया है विथ ACT एंटी चॉप टेक्नोलॉजी, जिसमें आपकी पेंट बॉल्स अंदर नहीं फटेगी, जो कि काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप कोई भी पेंट बॉल मार्कर लेना चाहें तो विथ एंटी चॉप टेक्नोलॉजी लें, और हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप टिपमैन 98 लें, सो दैट यू नो हम पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे हिसाब से वो फील्ड पर्पज़ के लिए बहुत अच्छी है। रीज़न बीइंग पहली बात तो पूरी की पूरी बॉडी उसकी मेटल की बॉडी है,
क्या होता है कि मेटल की बॉडी होने से अगर कोई पार्टिसिपेंट खेल रहा है वो गिर गया और आपकी बॉडी बॉडी जो है वो प्लास्टिक की है या रबर कोटिंग है वो कट जाती है, उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं या फिर डैमेज हो जाती है बहुत जल्दी। तो अगर ये मेटल बॉडी होने की वजह से क्या होता है कि आपका ये जो गिरने पर डैमेज होना है या कोई किसी पार्टिसिपेंट ने थ्रो कर दिया उस पर डैमेज होना है या आप रख रहे हैं आप वहीं से गिर गई तो ये जो डैमेज है ये नहीं होता, ये काफ़ी मिनिमम होता है जो कि स्क्रैचेस और डेंटेस में है जो आप बाद में कर सकते हो उसको। मतलब अगर आपने डेंट पेंट करवा लिया तो वो काफ़ी अच्छा आप रीलुक उसे दे सकते हो। बट यही अगर आपकी रबर कोटिंग है, जैसे कि आपका क्रोनस है, टिपमेंट क्रोनस इनका ही एक प्रोडक्ट है, उसकी पूरी रबर कोटिंग है, तो उसमें क्या होता है खेलते खेलते अगर कहीं थोड़े से भी स्क्रैच आ गए तो धीरे धीरे वो कोटिंग फटने लगती है एंड देन फिर उसका लुक काफ़ी ख़राब हो जाता है। और उसको आप कैसा है कि उस पर पेंट वेंट भी नहीं कर सकते बिकॉज वो रबर कोटिंग है। तो इस वजह से हम सजेस्ट करते हैं कि आप टिपमेंट 98 कस्टम सी लें, सो दैट क्या है कि आपका जो भी वो डैमेज है अगर आप यूज़ कर रहे हैं कंटिन्यू एक डेढ़ दो साल के बाद तो आप फिर से उसे पेंट कर लें एंड पेंट करने के बाद ये होगा कि आप उसे एक नया लुक देकर के काफ़ी और लंबे टाइम तक यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके पार्ट्स इजीली अवेलेबल हैं। देन थर्ड थिंग ये है कि इस गन इस मार्कर को अगर आपको रिपेयर करना है तो काफ़ी ईजिली मतलब हो जाता है। 7 स्क्रूज हैं एक राइट साइड बॉडी पर, आपको 7 स्क्रू एलंकी स्क्रूज हैं, इसे ओपन करना है, पार्ट्स जो है पूरे अलग करने हैं, उसको क्लीन करना है, ऑयलिंग करनी है, ओरिंग वगैरह चेक करनी है, अगर कोई फटी हुई है कुछ है आपको चेंज कर देनी है, उसके बाद आप जो जहां पर जैसे पार्ट्स लगे हुए थे आप उसे पूरा का पूरा सेम असेंबल कर सकते हैं। तो ओपनिंग एंड असेंबलिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी है, एकदम सिंपल सा मैकेनिज़म है इसमें। इसीलिए क्या होता है कि फील्ड ऑपरेटर के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसके जो इक्विपमेंट है एटलीस्ट उसके थोड़े बहुत टेक्निकली वो उसे जो है समझ सके और उसे रिपेयर कर सके या उसे मेंटेन कर सके। अगर आप कोई और प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें बहुत सारी ओरिंग्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे ऊपर से प्लास्टिक कवरिंग है, ये वो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ओपन करनी होती है, टाइम भी लगता है, देन लोग थोड़े कन्फ्यूज भी हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सिंपल कवरिंग है, काफ़ी सिंपल जो है बॉडी पार्ट्स हैं, ईजिली मेंटेन कर सकते हैं आप, ओपन करके जल्दी से बंद कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसे ज़्यादा रेकमेंड करते हैं, काफ़ी अच्छी मार्कर है ये। ड्यूरेबिलिटी की बात की जाए पर्सनली मेरे हिसाब से अगर आप प्रॉपरली इसे मेंटेन करते हैं तो समझ लीजिए कि ये 3 साल तक ये मार्कर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगी। उसके बाद आपको अगर थोड़े बहुत जो भी डैमेजेस हुए हैं पार्ट्स में वो थोड़े बहुत रिप्लेस करने होते हैं और अगर आप वैसे भी कंटिन्यू करना चाहें रिप्लेस कर करके तो ऑलमोस्ट 5 years 7 years इसकी लाइफ है। इसकी लाइफ लाइक ऐसी है कि आप पार्ट्स रिप्लेस करते रहिए और ये कंटिन्यू चलती रहेगी, सारे के सारे पार्ट्स रिप्लेस हो जाते हैं, तो इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा लाइफ है इसकी। बाकी अदर पार्ट की है कि अगर आपका अदर मार्कर्स का भी ऐसे ही है, आप जो है उनकी पार्ट्स को चेंज कर सकते हैं बट देन वही जो ऊपर का बॉडी है वो सब थोड़ा डैमेज हो जाता है तो वो बहुत गंदी लगती है। इसीलिए टिपमेंट 98 अच्छा है कि अगर आपकी बॉडी पार्ट जो है डैमेज है आप रीपेंट करवा दीजिए उसे और आप जो है अंदर के जो भी डैमेज पार्ट्स हैं वो चेंज करके यूज़ करते रहिए, काफ़ी अच्छी ड्यूरेबिलिटी है। प्लस एक्यूरेसी के मामले में बाकी अदर जो भी प्रोडक्ट हैं, जो भी इस रेंज के प्रोडक्ट हैं अप टू अगर आप जो है 8,000-9,000 से लेकर के जो भी 25,000 तक की मार्कर्स हैं अगर सेम बैरल साइज़ में आप यूज़ कर रहे हो, टिपमेंट 98 काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है। एक्यूरेसी के मामले में इसकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 95% की एक्यूरेसी है अप टू 60-70 feet। उसके बाद ये जो है थोड़ा बहुत वेरी करती है, वो हर एक मार्कर के साथ है। हाँ, आप किसी मार्कर में अगर बैरल की लेंथ लंबी करते हैं तो इसकी एक्यूरेसी थोड़ी और अच्छी हो जाती है, बट ये इसकी एक्यूरेसी बाकी अदर मार्कर से कंपैरिजन में लाइक आप FT12 से करें, आप जो है क्रोनस से करें, आप ग्रिफन से करें, सबसे बेटर मुझे इसकी ही लगी पर्सनल यूज़ के हिसाब से। मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है किसी और का पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा दूसरा हो पर मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। एंड बाकी इक्विपमेंट्स में अब गन्स का तो फिलहाल मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ, अगर इन डेप्थ आपको और कुछ नॉलेज चाहिए स्पेसिफिक किसी चीज़ के बारे में आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। सेकेंड चीज़ आपके सिलेंडर्स हैं, ये गन जो है CO2 पावर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया इसमें 3 साइज़ के सिलेंडर आते हैं, 9 ounce 12 ounce एंड 20 ounce। तो बेसिकली 9 ounce जो है आपका हो गया 300 grams, 12 ounce हो गया आपका जो है अराउंड 400 grams एंड 20 ounce हो गया आपका अराउंड 500 grams।
ये आपकी CO2 गैस की कैपेसिटी में बता रहा हूँ। तो जो 9 ऑंस का सिलेंडर है उसमें आप जो है अराउंड 60 शॉट्स जो है काफ़ी अच्छे ले सकते हैं 60। देन जो आपका 12 ऑंस है उसमें आप 80 to 100 शॉट्स तक चले जाता है, ये डिपेंडिंग ऑन यू नो वेदर और टेम्परेचर और जो आपने गैस जिस प्रेशर से फिल किया है। देन जो 20 ऑंस का सिलेंडर है वो आपको अराउंड 120 से 140 ये शॉट्स, इतने नंबर शॉट्स आपको दे देता है। तो ये आप कोई भी सिलेंडर यूज़ कर सकते हैं। ये सिलेंडर जो है एक पिन वॉल के साथ आता है, एक जो है ड्यूल वॉल यू नो रिलीज गैस के साथ आता है। तो पिन वॉल और ड्यूल वॉल में सिर्फ फ़र्क इतना है कि पिन वॉल में जब पिन वो प्रेस होती है उसके बाद गैस जो है आपके गन में रिलीज़ होती है, और जो ड्यूल वॉल है उसमें जब आप गन में अटैच कर देते हैं गैस, जब आप नॉब खोलते हैं तो उसके बाद वो आपके गन में जाती है, आपके मार्कर में उसके बाद जाती है। तो सिर्फ इतना है कि पिन वॉल में हमने थोड़ी सी प्रॉब्लम देखी है कि जब आप कंटिन्यू यूज़ करते रहते हैं उस गन अटैच करते रहते हैं गैस फिल करने के लिए, पिन बार बार प्रेस होती है, देन फिर गन मार्कर में लगाने के लिए गैस जो है बार बार प्रेस होती है, तो वो पिन जो है वो बैंड हो जाती है, डैमेज हो जाती है, या उसके अंदर की ओरिंग एक होती है छोटी सी वो कंटिन्यू यूज़ करते करते जो है डैमेज हो जाती है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि अगर आप कोई भी सिलेंडर ले रहे हैं तो आप सिलेंडर लीजिए, उसे वॉल जो उसकी वॉल है वो चेंज करवा दीजिए, उसे ड्यूल वॉल आप जो है ये रिलीज़ वॉल के साथ जो है रख लीजिए, वॉल वाला सिस्टम कर लीजिए। वॉल वाले सिस्टम में ये होता है कि कोई आपको पिन नहीं प्रेस करना है, तो जो जो आपका वो जो पिन बार बार ख़राब होने का प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा आपको। आपके जो है आपने वॉल ओपन की, गैस गई, आप जो है वॉल बंद कर दिया, गैस स्टॉप हो गई, फिर आपको फिल करना है, गैस पूरी रिलीज़ किया, फिर से जो है फिल स्टेशन में लगाया आपने और आपने फिल कर दी। तो वॉल्व का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है, वॉल्व की लाइफ ज़्यादा है, उसमें डैमेज नहीं होता है, इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप वॉल्व लीजिए। पिन भी अगर आपने लिया है तो कोई इशू नहीं है, बट वो थोड़े समय समय के बाद वो डैमेज हो जाती है, मतलब वो कैसा यूसेज के ऊपर है आपके। अब बात आई मास्क की, तो फेस मास्क जो है वो काफ़ी अलग अलग यू नो ब्रांड के भी आते हैं, बहुत अलग अलग क्वालिटी में भी है उसमें। तो उसमें कैसा है कि सिंगल लेंस है, ड्यूल लेंस है आपका, एंटी फॉग है, बहुत सारे टाइप के हैं, बट यहाँ पर जो है ज़्यादातर टिपमैन या फिर यू नो वी फोर्स का मास्क यूज़ होता है। दोनों मास्क की क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, मैं बहुत अच्छी तो नहीं कहूँगा, काफ़ी ठीक है, और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वी फोर्स का मास्क लें। वी फोर्स के मास्क की क्वालिटी थोड़ी अच्छा है, लाइक यू नो वो थोड़ा सा रबर यहाँ पर जो आगे का पार्ट है रबर का है, तो अच्छा होता है आपके क्लीनिंग के लिए, एंड देन यू नो थोड़ा सॉफ्ट भी है वो, एंड देन उसके बेल्ट वेल्ट की क्वालिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जो है आप ड्यूल लाइक यू नो एंटी फॉग लेंगे तो थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, वो अराउंड जो है 4500 के आसपास हो जाता है, और अगर ये नॉर्मल टिपमैन का आप लेते हैं सिंगल लेंस तो ये आपको जो है अराउंड 3500 से 4000 रुपीज़ तक के रेंज में मिल जाएगा आपको। और इसकी जो लाइफ है वो भी ऑलमोस्ट समझ लीजिए 8 महीने 6 महीने इतना ही है, बिकॉज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ सिर्फ 8-6 महीना, बिकॉज़ क्या है कि इसका जो लेंस है वो जब पार्टिसिपेंट्स खेल करके आता है उसमें पेंट लग जाते हैं, तो लोग क्लीन करते हैं, तो क्लीनिंग के वक्त क्या है आप कंटिन्यू क्लीन कर रहे हो उसे, किसी किसी ना किसी डस्टर से या किसी ना किसी कपड़े से या यू नो टिश्यू से लोग करते हैं, तो वो क्लीन करते 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 उस पर स्क्रैचेज आने लगते हैं, एंड देन यू नो खेलते वक्त भी कभी कोई गिर गया या यू नो कभी किसी ने लेंस पर ही आपका जो है मास्क रख दिया तो क्या होता है उस पर स्क्रैचेज आते हैं। तो जब उस पर ज़्यादा स्क्रैचेज हो जाते हैं तो आपकी विजिबिलिटी कम हो जाती है, और विजिबिलिटी कम हो जाने के बाद इस गेम को खेलने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो इसीलिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप 6 से 8 महीने के बाद जो है इसकी लेंसेज चेंज कर दीजिए। अगर आपकी लेंस थोड़ा और चलती है तो ठीक है आप चलाइए, बट चेंज कर दीजिए, ज़्यादा स्क्रैचेस वाले मास्क मत दीजिए। और इसकी लेंस की जो कॉस्ट है वो अराउंड 1200 रुपीज़ या 1300 रुपीज़ की एक लेंस होती है जो आपको 6 से 7 महीने में चेंज करनी होगी। अगर आपके पास 10-12 मास्क है तो आप एक साथ में नहीं कर सकते, तो आप लाइक यू नो 5-5 का कर दीजिए दो बारी, बट कर देना वो रेगुलर इंटरवल पे, वो उसकी जितने स्क्रैचेस है वो देख करके, सो दैट यू नो एक्सपीरियंस आपका ख़राब ना हो, कस्टमर एक्सपीरियंस आपका अच्छा बना रहे। एंड इसके बाद आई थिंक जो हॉपर है जिसे लोडर कहते हैं, यहाँ पर ग्रेविटी हॉपर ज़्यादा यूज़ होता है, ऑटोमेटिक हॉपर लोग यूज़ नहीं करते। ग्रेविटी हॉपर आपका 500 रुपीज़ का एक हॉपर आता है, और इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बस थोड़ा सा बहुत ये है कि इसका जो जो कैप है लोडर कैप है वो कभी कभार पेंट बॉल के हिट लगने पर टूट जाता है, या लोग गिरते हैं या गन गिरती है तो वो टूट जाता है। तो आपको क्या करना है, बस वो 500 रुपीज़ का एक है, आपको जब भी वो डैमेज हो गया आप जो है एक दो बैकअप में रखो या 2-4-10 बैकअप में रखो, आप जब भी डैमेज हो गया आप वो रिप्लेस कर दो उस पर। वो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है च्यवनप्राश के ढक्कन लगाते हैं या ये वो,
या टेप लगा के यूज़ करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप प्लीज़ जो है 500 रुपीज़ की चीज़ है, आप उसको ले सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा है, बाकी इसमें उतना ज़्यादा क्वालिटी और उतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। जो भी है ये एक ही है, एक आपका ग्रेविटी हॉपर और एक आपका ऑटोमेटिक हॉपर। ग्रेविटी इंडिया में यूज़ होता है। देन आपका चेस्ट गार्ड और नेक गार्ड और जो ओवरऑल है जो ड्रेसेस हैं वो यहाँ इंडिया में लोकल बन जाती है। यहाँ पर बहुत सारे वेंडर्स हैं, हमारे खुद यहाँ मुंबई में बहुत सारे वेंडर हैं जो हमें ये चीज़ें बना के देते हैं। और अगर आप यहाँ लोकली ले रहे हो तो आपको एक चेस्ट गार्ड समझ लीजिए 500 रुपीज़ का पड़ता है, एक नेक गार्ड आपको 100 रुपीज़ का पड़ता है, और एक ओवरऑल आपको 850 से 1000 रुपीज़ के बीच में पड़ जाती है, डिपेंडिंग ऑन यू नो क्वान्टिटी एंड जो भी वेंडर आप जिससे ले रहे हो या कितना दूर है क्या है वैसा। तो हमारे पास ये इस रेंज में मिल जाती है आपको। और जो क्वालिटी है इसकी, देखिए अगर आप स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल वीडियोस देखते हैं तो ये वो क्वालिटी नहीं है, वो काफ़ी महंगा आता है। वो अगर आप जो है उनको जो आपने देखा होगा एक जर्सी पहन करके खेलते हुए जिसमें पैडिंग वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, अगर आप वो लेने जाते हो तो वो अराउंड 5000 रुपीज़ का सिर्फ एक पैडेड जर्सी आती है एक अच्छी क्वालिटी। देन फिर उसके बाद उनका पैंट वैंट वो पूरा सेट भी है, तो वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है, जो कि यहाँ के फील्ड ऑपरेटर नहीं यूज़ करते। पूरे इंडिया में मैंने हार्डली किसी को देखा होगा कि वो इंटरनेशनल लेवल की जो जर्सियाँ या जो पैडेड यू नो जर्सीज है यूज़ करते हुए। यहाँ लोग वही कैमोफ्लैज का बनवाते हैं जो कि डांगरी टाइप एक ओवरऑल टाइप होता है और उसे ही पहनते हैं, उसके ऊपर से लोग जो है यहाँ पर चेस्ट गार्ड बनाते हैं। चेस्ट गार्ड भी लोग थोड़ा बहुत अपना अपना डिज़ाइन, किसी ने नाम प्रिंट करवा लिया, किसी ने प्लेन रख लिया, ऐसे कलर कलर में आपको मिल जाएंगे। रेड कलर है, ब्लू कलर है, ब्लैक कलर है, आपको कलर में मिल जाएगा। ज़्यादा कलर अवेलेबल नहीं है बट ये कॉमन कलर अवेलेबल है चेस्ट गार्ड में। तो बेसिकली आपने ओवरऑल ले लिया, आपका जो है चेस्ट गार्ड हो गया, नेक गार्ड आपको जो है बैंड टाइप यहाँ पर मिलता है वो गले में पहनने के लिए, उस पर वेलक्रो होता है पीछे, तो आपने वो वेलक्रो ले लिया। तो आपका सारा का सारा सेफ्टी गियर्स ऑन है। ग्लव्स यहाँ बहुत कम लोग देते हैं, बट अगर ग्लव्स आप देना चाहें तो ग्लव्स भी आप दे सकते हैं। वो कैसा है कि लोग बहुत सारे बाइकर ग्लव्स यूज़ करते हैं जो कि ओके है, आपको बस अपनी फिंगर की प्रोटेक्शन देखनी है, बाकी और कुछ नहीं। अगर आप पेंटबॉल स्पेसिफिक ग्लव्स लेने जाएंगे 1500 का एक ग्लव्स पड़ेगा, वही अगर आप प्रो बाइकर के और अदर ग्लव्स ले लेते हैं तो 300 रुपीज़ से लेकर के 500 रुपीज़ तक के आपको अच्छी अच्छी क्वालिटी के भी मिल जाएंगे। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो, या आप पेंटबॉल स्पेसिफिक ग्लव्स जो आते हैं जिनमें आगे सिर्फ यू नो पैडेड होती है, प्लास्टिक कोटिंग होती है, वो आप लेना चाहें तो उसकी भी जो है वो भी अवेलेबल है मार्केट में आपको। अब ये जो इक्विपमेंट है, इन इन सारी इक्विपमेंट का जो जो मतलब कॉस्ट है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जो आपकी मार्कर है, मार्कर के अंदर के जो पार्ट्स हैं, अंदर के पार्ट्स सारे के सारे मतलब ऑलमोस्ट कॉमन है हर हर एक गन में, हर एक मार्कर में इन जो मैकेनिज्म है वो कॉमन है, इंटरनल जो पार्ट्स है वो कॉमन है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप वो पार्ट्स जो है वो जैसे भी डैमेज होता है धीरे धीरे वो मंगा सकते हैं, वो मार्केट में अवेलेबल है। अब बात आती है पेंट बॉल्स की, तो पेंट बॉल्स जो है इंडिया में 3 जगह पर मैन्युफैक्चर होते हैं। एक आपका मैन्युफैक्चर होता है गांधीधाम में, जल कैप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जिनकी कंपनी का नाम है। दूसरा जो है आपका होता है हरियाणा यमुनानगर में, और तीसरा जो है वो हैदराबाद में एक कंपनी ने स्टार्ट किया था, बट मतलब मुझे उसका पता नहीं एग्जैक्ट क्या लोकेशन है और उनका क्वालिटी क्या है, बिकॉज वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया है। बाकी जेल कैप्स एंड हरियाणा वाला जो अमेजिंग पेंटबॉल है ये दोनों मैंने यूज़ किया है, क्वालिटी दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। इंडिया में 99% लोग इनके ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कोई कोई अपना इनसे जो है लेकर के रिटेल कर रहा है, कोई होलसेल कर रहा है, बट मैन्युफैक्चरिंग ये 2 लोग ही कर रहे हैं, तीसरा हैदराबाद वाला। तो ये जो पेनबॉल की कॉस्टिंग हो कैसा है, आपको 80 पैसे से लेकर के 1 रुपीज़ पर बॉल इतनी कॉस्टिंग आपको हो जाती है। तो आप जो है पेनबॉल्स ले सकते हैं और आप यूज़ कर सकते हैं। वो बहुत सारे जो है रिटेलर्स हैं जो सेल करते हैं या जिनसे आप इक्विपमेंट लें उनसे भी आप ले सकते हैं। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, और आई होप कि मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आपको दे पाया। इन केस अगर आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोई भी एडिशनल डिटेल्स चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, और होपफुली आपके बिज़नेस को सक्सेसफुल करने में मैं थोड़ा बहुत यू नो मददगार हो पाऊँ। एंड मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने नॉलेज को शेयर कर पाऊँ, जो भी मेरे पास 10-12 साल का पेंटबॉल की फील्ड में नॉलेज है। एंड मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे ये नॉलेज लें और यू नो अपनी फील्ड स्टार्ट करें। हम सेल्स या वैसा कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ मेरा पर्सनल ब्लॉग है जो कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ। बट हाँ, आगे मेरा प्लान है कि मैं लोगों को अगर उन्हें ये फील्ड सेटअप करने में या फील्ड यू नो प्लान करने में या बिज़नेस प्लान करने में कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं करूँ।
एंड थोड़ा बहुत मैं उस फील्ड में भी आना चाहता हूँ, बट वो लेटर ऑन है. अभी सिर्फ मैं लोगों की हेल्प के बारे में सोच रहा हूँ, सो दैट यू नो इस गेम को, इस एक्टिविटी को और स्प्रेड किया जा सके और बढ़ाया जा सके. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड दोस्तों बाय, बी सेफ, घर पर रहो, गुड बाय.